Okay, next question. Question number 3. Construct AB of length 7.8 cm. ठीक है, तो 7.8 cm की लाइन पहले खींच लेते हैं, और क्योंकि हम कंपास से करना सीख गए हैं तो 7.8 यहाँ लेते हैं। स्क्वायर इंच के लिए 7.5678 कीजिए। अब आप इसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे कर लिया आप तो आप इसे बना सकते हैं। उठाइए यहाँ से एक लाइन को, स्केल की मदद से कहीं भी जोड़ दीजिए, 7.8 ही होगी। अब करना क्या है, अब इसके बाद देखते हैं फ्रॉम दिस, इसमें से कट ऑफ एसी। तो पहले ये ए बी है, इसका नाम हम लिख देते हैं ए बी, इधर ए कर देते हैं और ये बी। ओके, अब इस ए बी में कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर, ए यानी कि यहाँ से 4.7 सेंटीमीटर हमें काटना है। ओके ठीक है, तो हम इसे रूलर की मदद से करते हैं, पर रूलर की मदद से कैसे, वैसे नाप के आसान हो जाता है। तो हमें कितना काटना है, 4.7, तो उसे हम पहले 0 पर लगा लें, ये 0 पर लग गया। अब एडजस्ट करते हैं इसे 4.7 5 6 और ये 7.7, क्लोज कीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और थोड़ा सा पास लगा के एक आर्क कट दीजिए, हो गया। इसको हटाइए, इसे हटाइए और यहाँ पर लिखते जाइए, यहाँ पर सी है ये पॉइंट, ये सी लिख दीजिए और ये रहा 4.6, 4.6 था या 4.7 था, 4.7 ओके है, 4.7 ही हमने यहाँ पर है, तो 4.7, तो इसको यहाँ पर सिलर करके इसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हो गया 4.7। अब ये क्या कहते हैं, इसको देखें क्वेश्चन, मेजर बी सी, तो बी सी यानी कि इसको आप नापिए। ठीक है, अब हमें रूलर की मदद लेनी पड़ेगी, तो 3.1 आ रहा है, तो 3.1 आ रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3.1। अब अगर हम 4.7 को 3.1 के साथ ऐड कर दें तो 7+1 हो जाता है 8, और इसके आगे पॉइंट, और 4+3 6 7 7.8, तो क्या हमने 7.8 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, यस 7.8, तो ये 3.1 ही एग्जैक्ट आ रहा है। ओके,